हेलो दोस्तों, आज मुझे मेरी बजट चेतक को फुल चार्ज करने के बाद में मेरी बजट चेतक मुझे 104 किलोमीटर की प्रोजेक्टेड रेंज दिखा रहा है और उसके बाद में मैंने इसे लगभग 2 किलोमीटर चलाया और फिर ये 104 किलोमीटर की मुझे रेंज शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? इतनी रेंज मुझे कैसे अच्छी मिलती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ। तो ये प्रो टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और इसमें जो लास्ट वाला मैं टिप आपको देने वाला हूँ, इससे तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये वीडियो आप जरूर आखिर तक देखिए दोस्तों। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर, हमारी बजट चेतक में 90 रेंज के बजाय सिर्फ 60, 70, 80 तक ही रेंज मिलती है, तो ये रेंज हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए मैं आज आपको 5 ऐसे प्रो टिप्स देने वाला हूँ जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जरूर रेंज बढ़ेगी। उसमें मैं जो आखिर वाली 5वीं टिप आपको जो बताने वाला हूँ, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मेरी बजाज चेतक को चार्जिंग को लगाया है। इसकी 90% चार्जिंग होने के बाद में ये 94 रेंज शो कर रहा है। उसके बाद में जब मैंने देखा तो ये 94% चार्ज हो गई तो इसका 98.7 का रेंज ये शो कर रही है। इसके बाद में मैंने जब देखा तो 97% चार्जिंग होने के बाद में इसका रेंज लगभग 101.9 दिख रहा है। बाद में जब ये 99% चार्ज हुई तो इसका 103.4 ये रेंज हमें शो हो रहा है। अब मेरी बजाज चेतक की 100% फुल चार्जिंग हो गई है तो मुझे ये लगभग 104 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। मेरी बजाज चेतक फुल चार्ज होने के बाद में मैं इसे लगभग 2 किलोमीटर चला के लाया और तब मुझे 102 रेंज शो कर रही थी। फिर बाद में मैं जब घर वापस आया तो इसमें फिर से 104 रेंज शो करने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण इसकी रीब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम है। मैं मेरी बजाज चेतक को हिल साइड एरिया में लेके गया था, इसलिए इसकी रीब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम अप्लाई होने के बाद में इसकी फिर से 104 रेंज हो गई है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी रेंज मिलनी चाहिए ऐसा लगता है तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत यूजफुल टिप्स देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। टिप नंबर 1, इको मोड। हमारी बजाज चेतक को हमेशा हमें इको मोड में चलाना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू इसे इको मोड में चलाएंगे तो अगली बार इसकी चार्जिंग पूरी होने के बाद में इसका जो प्रोजेक्टेड रेंज है वो अपने आप बढ़ जाएगा। टिप नंबर 2, स्पीड लिमिट। बजाज चेतक को हमेशा 40-45 की स्पीड के ऊपर मत चलाइए, ये आपको अच्छा रेंज निकाल के देगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाते हो तो इसकी रेंज कम मिलती है। टिप नंबर 3, स्मूथ थ्रॉटल। बजाज चेतक को हमें चलाते वक्त कभी भी इसका थ्रॉटल जो है उसे अचानक से नहीं खींचना है, वरना ये स्पोर्ट्स मोड में चली जाती है। थ्रॉटल को हमेशा स्मूथली खींचना चाहिए, इससे आपको अच्छी रेंज मिलेगी। टिप नंबर 4, यूज रीब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम। बजाज चेतक को आप अगर किसी ढलान पे या स्लोप पे चला रहे हो तो थ्रॉटल को छोड़ दीजिए, ये रीब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम अप्लाई करती है। इससे हमारी बजाज चेतक की रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। टिप नंबर 5, रेगुलर चार्जिंग। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज डेफिनेटली बढ़ेगी। आपको आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की हमेशा 60% के नीचे चार्जिंग डाउन नहीं होनी देनी है। रेगुलरली इसे अगर आप चार्ज करते रहोगे तो ये लिथियम आयन बैटरी की रेंज डेफिनेटली बढ़ती है और 20%
के नीचे इसकी हमेशा चार्जिंग डाउन होनी देनी नहीं है। अगर हम 20% के नीचे इसकी चार्जिंग जाएगी तो इसकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है और इसकी रेंज भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज हमेशा अच्छी मिलेगी और आपकी स्कूटर की बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।